माइंड मेकर्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे डिफेंस सेक्टर के लिए विकसित किए गए रोबोट के बारे में। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हैदराबाद बेस्ड कंपनी स्वयं रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी चार पैरों वाला रोबोट तैयार किया है। आपको बता दें, भारत इससे पहले ऐसे रोबोट्स अमेरिका और स्विट्जरलैंड से इम्पोर्ट किया करता था ताकि वो अपने देश की सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत बना सके। ये स्वदेशी रोबोट्स और वियरेबल एक्सोस्केलेटन को DRDO लैब्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लैबोरेटरी के कोलैबोरेशन के जरिए विकसित किया गया है। बता दें कि इसकी डिजाइनिंग से लेकर टेक्नोलॉजी तक में इन सभी संस्थानों का प्रमुख योगदान रहा है। आपको बता दें, ये चार पैरों वाले रोबोट्स उबर खाबर और पथरीले रास्तों पर भी काफी आसानी से चल सकते हैं, जैसे कि लेह लद्दाख, जहां भारतीय सेना को रिप्लेस करके विभिन्न परिस्थितियों और असामान्य क्षेत्रों में इन रोबोट्स का प्रयोग किया जा सकता है। ये रोबोट्स आतंकवादी गतिविधियों के साथ साथ असुरक्षित जगहों को भी डिटेक्ट करने में काफी कारगर हैं। इसके साथ ही ये इन सभी जगहों के फुटेज को मॉनिटर के जरिए देश के किसी भी कोने में डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा ये रोबोट्स 25 किलोग्राम तक के पेलोड का भार संभालने के साथ साथ भारतीय सेनाओं के साथ भी चलने की क्षमता रखते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इन रोबोट्स का इस्तेमाल न्यूक्लियर प्लांट्स और कई अन्य इंडस्ट्रीज में भी किया जा सकता है। हालांकि बात अगर वियरेबल एक्सोस्केलेटन की करें तो ये एक्टिव एक्सोस्केलेटन जब भारतीय सेना पहनेंगे तो भारी से भारी लोड को भी काफी आसानी से कैरी कर सकेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि 25 किलोग्राम तक के वजन को ये एक्सोस्केलेटन भारतीय सेनाओं को महज 5 से 7 किलोग्राम तक का भार महसूस होने देगा। आपको बता दें, इन रोबोट्स को विकसित करने का मकसद यही है कि दुर्गम परिस्थितियों में इन रोबोट्स का उपयोग करके भारतीय सेनाओं की जीवन रक्षा की जा सके। ये रोबोट्स उन क्षेत्रों में भी तैनात किए जा सकते हैं जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और अन्य पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्स ऑपरेट करते हैं। बहरहाल, ये रोबोट्स किस हद तक भारतीय सुरक्षा प्रणाली के लिए कारगर साबित होंगे, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात साफ दिख रही है कि डिफेंस सेक्टर में दिन प्रतिदिन नए बदलाव देश की सुरक्षा के लिहाज से सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।